नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट भी। आज हम प्लांटर फैशियाइटिस की बात करने वाले हैं। जिनको ये तकलीफ है उनको ये नाम पता है, और जिनको नहीं है उनको मैं समझा दूं कि पांव में जो हमारे आर्च होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं और आप जैसे ही बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं और एक टीस सी मार जाती है और बहुत एकदम ही खिंचाव आ जाता है, दर्द होता है, कुछ स्टेप्स चलने के बाद वो ठीक हो जाता है ना। दिन में फिर से कभी कभी मान लीजिए स्क्वाट में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं तो दुखेगा। ये होता किनको है? जिनका काम बहुत ज़्यादा खड़े होने का है ना, या जो मैराथन वगैरह भागते हैं, जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं। इससे क्या होता है, जो आर्च में, यहाँ हड्डी नहीं है, ये एक मसल है जो आपकी हील को आपके पंजे तक, टो तक जोड़ रही है, उसका खिंचाव थोड़ा कभी कभी कम हो जाता है या उसमें मसल में थोड़ी वेयर एंड टेयर हो जाती है ना। रीज़न बहुत है इसके, पर इसको अब जब हो गया है तो इससे निजात कैसे पाई जाए, इससे ठीक कैसे हो, तो उसके लिए कुछ योग में अभ्यास हैं। आज के सत्र में उन अभ्यासों को हम करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आपका इनसे कुछ फायदा होता है या नहीं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले पैरों को निकालकर हमें स्ट्रेट निकालेंगे, जिसमें कि हम दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। दंडासन में आपके टोज आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, है ना। हाथ आपकी नितंबों के पास आ जाए, हाथ एकदम पीपल के पत्तों के जैसे ढीले, कंधों उचकेंगे नहीं, क्योंकि हमें ध्यान देना है अपने पंजों पर। अब यहाँ से सबसे पहले ब्रीद इन करते हुए पंजों को चेहरे की तरफ खींचे। अगर हाथ पहुंच पाए आपके तो हाथों से खींचे इन्हें और फिर दूर जाने दें, खींचे और दूर जाने दें। जिनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो बिना इसके भी कर सकते हैं, है ना, पंजों को चलाएं। इसी में एक वेरिएशन होगा जिसमें कि आप पैरों में स्ट्रैप से खींचेंगे इसको, है ना, फिर छोड़ेंगे, फिर दूसरे को खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे। स्ट्रैप का भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है, है ना। तो हमने किया पहले पंजों को आगे पीछे चलाया, ठीक है। दूसरा पैडल योर फीट, पंजों को पैडल करेंगे, और ये आप बेड पर रहते रहते पैर नीचे उतारने से पहले कर रहे हैं, है ना। सुबह सुबह का समय है, लेटे लेटे भी किया जा सकता है। पंजों को चलाया, फिर उसके बाद गैप रखकर क्लॉकवाइज रोटेशन, ये, और पूरा ध्यान उस मसल पर, है ना, जो कि आपके पैर को पूरे को जोड़े हुए है। फिर दूसरी तरफ चलाएं, बहुत अच्छा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर आप लेटे हुए हैं तो भी ठीक, अगर बैठ चुके हैं तो एंकल को उठाकर दूसरी जगह पर, राइट फुट को मैंने लेफ्ट पे रखकर पकड़कर अब आप इसके कान मरोड़ेंगे, इसको गोल गोल घुमाएं। ये भी आपकी, क्योंकि आप देखिए इस समय क्या हो रहा है, ये खींच रहा है इसको, हाथ से आपने ऐसे खींचेंगे इसको, तो इसको पहले गोल गोल घुमाएंगे, फिर दूसरी साइड भी इसको गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है। अब इसी पोजीशन में रहते हुए जब ये करीब 10-10 के राउंड हो गए, इसी के बाद राइट फुट है मेरा, और राइट हैंड से ही अपनी पंजों की, पैर की उंगलियों को खींचेंगे अपनी तरफ, है ना, और दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से हील को दबा के पंजे को ऐसे खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, खींचेंगे। ये सब पैसिव मूवमेंट है, आप हाथ से कर रहे हैं, है ना। जो वहां नहीं हो पा रहा था वो यहां हो गए, पूरा दबेगा, पूरा खींचेगा, है ना। इसी प्रकार इसको दूसरी तरफ से भी वैसे ही चलाएंगे, पैर को उठाया, दूसरी जगह पे रखा, पहले वहां कान मरोड़े इनके, एंकल्स को गोल गोल घुमा दिया दूसरी तरफ, और फिर उसी तरह लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पंजे को पकड़ा और राइट हैंड से हील को पकड़ के खींचा और छोड़ा, खींचा और छोड़ा, है ना, दोनों तरफ से इसे भी कर देंगे।
इसके बाद जब आप बिस्तर से उतरेंगे, पैर नीचे रखेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा चांस है कि वो तकलीफ जो आपको एकदम से टीस मारती है वो नहीं होगी। कुछ और अभ्यास है ना, बैठे बैठे ही इसी में पैरों को वज्रासन में जाना होगा। इसमें पैरों को आप मोड़ेंगे, वज्रासन की स्थिति में जाएंगे। नॉर्मली वज्रासन में आपके पंजे फ्लैट रहते हैं, इसके लिए आपको पंजों को टक इन करना होगा। तो पंजे आपने टक इन किया खींच के, और फिर हील के बल बैठ के प्रेशर देंगे स्पॉट पर। मान लीजिए आपको ऐसे टीस मार रही है, ढीला छोड़ा, फिर से वापस लगाया, ढीला छोड़ा, फिर से वापस दम लगाया। ठीक है, ये हुआ। इस समय पंजों पर बहुत जोर का एकदम प्रभाव पड़ रहा है। इसी को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, इसी में थोड़ा वेरिएशन करने के लिए, उष्ट्रासन की जैसे, कैमल पोज के जैसे, हाथों को आपने पीछे रखा, वेट थोड़ा और बढ़ गया अब इसमें, और ऐसे हिप्स उठा लिए, अपने नितंबों को हील से दूर कर दिए, फिर वापस। अब इसमें मेरे हाथ अगर मैं पूरे रख पाऊं तो बहुत ही बढ़िया, और फिर उठें, और फिर यहां से 5 से 10 का राउंड करके आप वापस आएंगे। पंजों को फिर ढीला छोड़ें, एकदम रिलैक्स कर देंगे उनको वज्रासन में, देखेंगे बहुत ही फायदा होगा। ये जो उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, उस इलास्टिसिटी को वापस बढ़ा के देगा आपको, है ना। ये हो गए कुछ सिंपल अभ्यास जो हमने बैठे बैठे कर लिए हैं। इसी में अगर आप और वेरिएशन ऐड करेंगे तो हाथों को रखकर टोज को टक इन करके, है ना, इसी पोजीशन में रहते पीछे गए, शशक आसन के आधे में, पूरा शशक नहीं करना है, फिर वापस आ गए, पीछे गए, फिर वापस आ, ऐसे कर कर आप अपने फीट, अपने पैरों की जो तकलीफ है उसको बहुत अच्छी से मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ हो गए हमारे बैठे के। चलिए अब कुछ अभ्यास होंगे जो हम लेट कर करेंगे, है ना। लेट कर हम मेरे पास एक सिंपल दुपट्टा, चुन्नी, कुछ भी ले सकते हैं। आपके पास भी घर में कोई ना कोई ऐसा होगा, चद्दर होगा, जिसको आप यूज़ कर कर आराम से, कुछ फ़ायदे हैं जो ये आपके पैरों के लिए करेगा। तो वज्रासन से बाहर निकलेंगे, है ना, टेक योर लेग्स आउट, और आराम से पीठ के बल लेट कर, कभी भी लेटे हैं साइड से जाए, है ना। और तकलीफ आपके किसी, मान लीजिए एक पैर में, वैसे तो दोनों में ही होती है, अगर एक में भी है फिर भी दोनों को बराबर काम दे, ऐसा नहीं कि एक को किया और दूसरे को छोड़ दिया। सबसे पहले राइट लेग से शुरू कर रहे हैं, सीधे पैर को ऊपर ले गए 90 डिग्री अगर पॉसिबल हो, नहीं तो मोड़ कर भी, आप जहां आपका बॉल ऑफ द फुट है, जहां आपकी पैर की उंगलियां जस्ट खत्म हो रही है, वहां पर फंसा कर, और अब इसे चेहरे की तरफ खींचे, कंधा रिलैक्स रहेगा। अच्छा, दूसरे घुटने की टेंडेंसी होगी उठने की, उसको भी फ्लैट रखें। अब ये पंजों को चेहरे की तरफ खींचें, फिर चेहरे से दूर, चेहरे की तरफ, चेहरे से दूर। ये आपके हैमस्ट्रिंग्स पर भी बढ़िया काम करेगा, जिसको साइटिका की तकलीफ है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। खींचें छोड़ें, खींचे छोड़ें, इसमें ब्रेथ को भी इन्वॉल्व कर लें, ब्रीद इन टुवर्ड्स द फेस, ब्रीद आउट चेहरे से दो। एक साइड हुआ, आराम से जाने देंगे उसे। सिमिलरली लेफ्ट फुट को भी बॉल ऑफ द फुट पर आराम से सेट करते, घुटना सीधा, दूसरा घुटना उठेगा, उसको रिलैक्स करें, और अब इसको खींचें पहले, है ना, और फिर इसके बाद चेहरे से दूर, चेहरे की तरफ, दूर तरफ, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आराम से दोनों तरफ करके वापस आ जाएंगे। ये हो गया हमारा लेट कर। थोड़े अभ्यास खड़े होकर, सबसे पहले पैरों को जोड़कर, है ना, ताड़ासन की स्थिति होगी, फीट टुगेदर, नीज टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड, शोल्डर्स रोल्ड बैक,
चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, स्माइल ऑन द फेस, स्माइल कभी ना भूलें, है ना। ताड़ासन स्थिति में आए, अब इस स्थिति में रहते हुए अपना वजन, पैरों का वजन थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, इसको मैं साइड से दिखाता हूँ, तो हम पैर नहीं मूव कर रहे हैं, सिर्फ पैरों का वजन, तो आगे पंजों की तरफ, हील हल्के हो गए, कोर को, पेट की मसल्स को टाइट रखेंगे इसमें, फिर पीछे जाते जाएं, आगे पंजे हल्के हो जाएंगे, फिर आगे और फिर पीछे, है ना। ये हो गया आगे और पीछे। इसी प्रकार बॉडी को बैलेंस रखते हुए राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, है ना, एक पैर हल्का हो जाएगा, फिर राइट साइड और फिर पूरा लेफ्ट साइड, एज ऑफ द फुट, पैर के जो एज हैं उन पर हल्का हल्का वेट डालकर, फिर आप देखेंगे तो सेंटर में एकदम बढ़िया तरीके से पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ये ठीक कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे का अभ्यास, ताड़ासन, पाम ट्री पोज। ताड़ासन में हाथों को सामने की तरफ ले जाते, अच्छा इससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरों में दो उंगली का गैप रहेगा, दोनों साथ ना हो, हल्का सा गैप रखते। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ ले गए, दिस इज योर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिंगर्स इंटरलॉक, और चेहरे से दूर ले जाएं हाथों को, पाम्स फेसिंग आउटवर्ड, अंगूठे छूटे नहीं, अंगूठे भी मिले हुए हैं, हाथ सर के ऊपर गए, कान और बाइसेप्स, बाइसेप्स एंड ईयर एक दूसरे के पास हैं पर छू नहीं रहे, है ना, इतना स्ट्रेच करते हुए कंधों को ऊपर उचकाएंगे और 1 2 3 करते हुए गेज एट अ पॉइंट, हील्स उठा लें, श्वासें चलती रहें और फिर हील्स डाउन। साइड से भी दिखाऊंगा, इसी पोजीशन में रहते हुए पेट अंदर खिंचा होगा, ब्रीद इन करते हुए हील्स उठाएं, और फिर हील्स डाउन, है ना, ऐसे फिर दांतों को नीचे ले आएंगे। ऐसे आप 10 का राउंड कर सकते हैं, हील्स अप एंड डाउन 10 बार, ताड़ासन स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अगला अभ्यास, इसी के बाद वृक्षासन, ट्री पोज। ट्री पोज में भी सिंगल लेग की स्ट्रेंथ बढ़ाता है ट्री पोज, तो पैर बाहर किया 1 और ब्रीद आउट करते हुए अपने इनर थाई पर, राइट इनर, लेफ्ट इनर थाई पर राइट फुट फिक्स हो जाएगा, नी साइड में चला जाएगा, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाकर वृक्षासन में यहाँ पे रहें, और अगर जो लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं वो पूरे हाथों को स्ट्रेच करें और बैलेंस, गेज एट अ पॉइंट, किसी एक चीज को देखते रहें, और जब ये ठीक से हो जाए यहां से वापस जाएं हाथों को, पैर को वापस पोजीशन में चेंज कर, सिमिलरली दूसरी तरफ ब्रीद इन ब्रीद आउट, पंजा नीचे की तरफ पॉइंटेड है, नी साइड में गया हुआ है, ध्यान पूरा अपने पैर पर, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, स्माइल ना भूलें, और फिर पूरा स्ट्रेच कर पाएं तो पूरी तरह से ऊपर जाएंगे, एक एक लेग की ताकत बढ़ाता है ये, साइटिका के लिए भी अच्छा है, देखो लेग में स्ट्रेंथ भी रहती है, और फिर बहुत आराम से या तो साइड से हाथ नीचे लाते, पैर को भी वापस जाने देंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे खड़े होकर के दो अभ्यास। तीसरे अभ्यास में वीरभद्रासन, वॉरियर पोज, है ना, वॉरियर पोज नंबर 1 के लिए, वीरभद्रासन 1 के लिए जाएंगे, उसके लिए मैट के एक तरफ से आकर, अब ऐसा सोचे कि आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना, आगे जा रहे हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हुए, हील पीछे उठेगी उसको अभी दबा के रखेंगे, है ना, ये पीछे वाला पंजा 45 डिग्री बाहर, 45 डिग्री सामने वाला, 90 डिग्री सामने। ठीक है, अब आपने आगे वाला नी बेंड किया, दोनों हाथों को सर के ऊपर स्ट्रेच किया, हेड बैक, इस पोजीशन में रहे। अब इसको और थोड़ा अगर अच्छा करना चाहें तो पीछे वाली हील उठा लेंगे और फिर बैलेंस करेंगे,
है ना, फिर वापस हील रखते हुए घुटना सीधा, हाथ नीचे, साइड चेंज हो जाएगा, दूसरी तरफ पीछे वाला पंजा 45 डिग्री, 45 डिग्रीज आउट, ये 90 डिग्री, हिप की पोजीशन कैसी, स्क्वायर, दैट मींस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, साइडवेज नहीं रहेगी, हिप सामने, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, ऊपर देखा, पुश किया, जो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, लग रहा है कि और कर सकते हैं, हील उठा ली पीछे, पूरा लंज, और बहुत आराम से हील नीचे करके वापस आ गए। वॉरियर वन, बहुत अच्छा अभ्यास है आपकी हील को लेके, जो पैर को लेके तकलीफ है उसको पूरा करने, एकदम आखिरी अभ्यास, इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। देवी पोज बोलते हैं इसको, देवी पोज के लिए पैरों में गैप किया, पंजे 45 डिग्री बाहर, है ना, दोनों पंजे बाहर। अब इसमें अपने नीज को, पंजों को फॉलो करने देंगे बाहर, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा भी रह सकती है या ऐसे भी रह सकते हैं इसमें, तो दोनों नीज आपके पंजों को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स बाहर जा रहे हैं 45 डिग्री, हिप्स नीचे, और इसमें जो कर सके हील उठा लें, है ना, फिर हील वापस, हील उठाएं, फिर हील वापस, जो बैलेंस कर पाए वो बैलेंस कर पाए, है ना, दोनों को पैरों पर हील को उठाकर एक ही स्थान पर रहें। स्माइल, और नीचे जा पाए तो बहुत बढ़िया, और फिर आराम से हील नीचे रखकर नी सीधे किए, पैरों को वापस ले आए, विश्राम, विश्रांति के लिए दोनों हाथ पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पैरों में गैप, ड्रॉप योर हेड टू योर फेवरेट साइड। चलिए, ये आज हमने कुछ अभ्यास किए जिनकी वजह से हमारे पैर की तकलीफ छूट सकती है, बच सकते हैं। मैं खुद एक मैराथन रनर रह चुका हूं और मुझे पता है कि पैर में जब वो दुखता है तो कैसा लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज के सत्र में हम इसको डालें, ताकि जैसा मेरे को देखते समय बहुत समय लगा जानने के लिए कि क्या क्या किया जा सकता है, आपको ना लगे, आप यहाँ पे आएं और अपना सोल्यूशन प्राप्त कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज का सत्र देखने के लिए, फिर किसी और शरीर के अंग के लिए कोई नया योगाभ्यास लेकर आएंगे। हरिओम तत्सत।